हुंडई वेन्यू को कनेक्टेड एसयूवी का नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं इसको कनेक्टेड एसयूवी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें हुंडई फर्स्ट टाइम लेकर आया टेलीमैटिक्स फीचर्स ब्लू लिंक के नाम से। ये ब्लू लिंक ऐप आपको और आपकी कार को आपस में कनेक्ट करेगा, यानी आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी होने का मतलब पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी हो, बस आपके फोन पे हो ब्लू लिंक ऐप और हो आपके फोन पे इंटरनेट कनेक्शन, आप अपनी कार को कहीं पे भी बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। ब्लू लिंक ऐप आ रहा है हुंडई वेन्यू के SX प्लस DCT पेट्रोल ऑटोमेटिक में, जिसमें 33 फीचर्स दिए हुए हैं, और टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल पेट्रोल एंड डीजल में, जिसमें 31 फीचर्स दे रखे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सिर्फ ये 33 फीचर्स ब्लू लिंक के क्या है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे 33 फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखा है। और आप देखना चाहते हैं किस तरीके से ब्लू लिंक एक्चुअल वर्किंग कार में कैसे करता है, उसको आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। आज के मेरे इस वीडियो को शूट करने में मेरी मदद करेंगे मेरे दोस्त सौरभ शर्मा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ब्लू लिंक को एक्टिवेशन करने का क्या प्रोसीजर है। जब आप कार परचेस करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन साथ में आपका मोबाइल नंबर हुंडई के डेटाबेस में रजिस्टर्ड होता है। जब मोबाइल नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन हुंडई के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके 3 घंटे बाद आप ब्लू लिंक को एक्टिवेट कर पाएंगे। एक्टिवेट करने के लिए आपको बैठना अपनी कार के अंदर और म्यूजिक सिस्टम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसके अगर आप सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ब्लू लिंक दिया हुआ है। मैंने इसमें ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन हुंडई में रजिस्टर्ड करा रखी, साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है और मैं इस कार में ब्लू लिंक को एक्टिवेट कर चुका हूँ। सबसे पहले चलिए मैं उस वीडियो को दिखा देता हूँ जिस वक्त मैंने ब्लू लिंक को एक्टिवेट किया। मैं भी करने जा रहा हूँ ब्लू लिंक को एक्टिवेट। ये एक्टिवेट होगा गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से, वन टाइम प्रोसीजर है। अभी इस म्यूजिक सिस्टम पे ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे देखिए कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। ब्लू लिंक को एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक सिस्टम के सेटअप पे जाएं। सेटअप पे जाने पर सामने तरफ देखिए ब्लू लिंक का ये आइकन दिया हुआ, इसको करते हैं टच। टॉप पे दिखेगा एक्टिवेट ब्लू लिंक, इसको जैसे मैंने टच किया यहाँ पे अपडेटिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए, इसको एग्री करके नेक्स्ट कर दें। फिर प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, इसको भी आप एग्री करके नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे एक्टिवेटिंग ब्लू लिंक सर्विस, और ये देखिए ब्लू लिंक सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ये म्यूजिक सिस्टम पे ब्लू लिंक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए नेटवर्क आ गया, ये यूज़ करता है वोडाफोन का नेटवर्क। ये आपको 3 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ हुंडई पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे ब्लू लिंक को यूज़ करने के लिए। इसके यहाँ पे साइड में देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, IMEI नंबर कौन सा यूज़ कर रहा है, गाड़ी का VIN नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी वजह से आप नेटवर्क को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस नेटवर्क रीसेट बटन से इसको रीसेट कर सकते हैं। चलिए म्यूजिक सिस्टम पे ब्लू लिंक एक्टिवेट करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल में ब्लू लिंक ऐप को किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हुंडई ब्लू लिंक को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद ये क्रिएट अकाउंट का एक पेज आएगा जिसमें आप एक नई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं या फिर गूगल एंड फेसबुक से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, इनको कर देता हूँ मैं टिक। टिक करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करें, साथ में एक नया पासवर्ड जनरेट करें, नाम अपना डालें और डेट ऑफ बर्थ को फीड करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करें और उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको भी एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा क्रिएट पिन। यहाँ पे 4 डिजिट के एक पिन को आप जनरेट करिए जो कि काम में आएगी जब आप ब्लू लिंक के फीचर्स को यूज़ करेंगे। अब ये कनेक्टिंग टू सर्वर कर रहा है। अब अगला पेज आ जाएगा जिसमें ऐड माई कार का आ जाएगा। ऐड माई कार पे जाइए, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करें और यहाँ पे एंटर करिए गाड़ी का VIN नंबर यानी चेचिस नंबर को। इसके बाद क्लिक करिए सेंड वेरिफिकेशन कोड टू व्हीकल। कार के म्यूजिक सिस्टम पे एक आएगा वेरिफिकेशन कोड, उसको यहाँ पे कर दीजिए एंटर। एंटर करने के बाद ऐड व्हीकल पे क्लिक करें और यहाँ पे अगला पेज आ गया जिसमें व्हीकल को सेलेक्ट करिए और ये ब्लू लिंक हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। साथ में यहाँ पे देखिए कुछ नोटिफिकेशंस आ गए हैं, इनको कर दीजिए अलाउ। अलाउ करने के बाद ये स्टार्ट हो गया है ब्लू लिंक मोबाइल ऐप। ब्लू लिंक को एक्टिवेट करने के बाद कुछ फीचर्स आप यूज कर पाएंगे गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से। कुछ यहाँ पे ये देखिए IRVM पे बटन्स दिए हुए, ये भी ब्लू लिंक के फीचर्स दे रखे हैं। इसकी की में देखेंगे तो यहाँ पे की में भी बटन दिया हुआ, ये भी ब्लू लिंक का ही फीचर है। और बाकी सारे फीचर्स जो बचे वो आप यूज कर पाएंगे ब्लू लिंक मोबाइल ऐप से। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल ब्लू लिंक ऐप में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। अपने मोबाइल से ब्लू लिंक ऐप को ओपन करिए। ओपन होने के बाद यहाँ पे साइट में जाके सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके सेटिंग पार्ट्स में।
ये माय पेज में जाएंगे तो यहाँ पे चेंज पिन का ऑप्शन मिलेगा। जो आपने 4 डिजिट की सिक्योरिटी पिन को सेव कर रखा उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उस पिन को रीसेट कर सकते हैं अगर आप भूल जाएं। चेंज पासवर्ड, इस मोबाइल ऐप को लॉगिन करने का यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अकाउंट को यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं, रीसेट अकाउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप 5 अपने जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रखिए। और जब इसका एक की का फीचर है पैनिक नोटिफिकेशन, अगर इसको प्रेस करेंगे तो इन 5ों लोगों पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये भी मैं आपको रियल टाइम वर्किंग करके दिखा देता हूं। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर केयर लैंग्वेज दी हुई है, यहाँ से आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जब भी आप कॉल सेंटर को या कॉल सेंटर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा तो वो उसी लैंग्वेज को यूज करेगा। तो ये कुछ सेटिंग पार्ट से जो मैंने ऑलरेडी इसमें करके रखे हुए हैं। इसके बाद चलिए अब मैं इसके फीचर्स को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए व्हीकल कंट्रोल मेनू का ये पेज दे रखा है, ये गाड़ी मेरी DCT ऑटोमेटिक है, तो इसमें पूरे 33 फीचर्स दिए हुए हैं। इसको चलिए मैं आपको बाहर निकल के गाड़ी के दिखाता हूँ ये फीचर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। इस समय मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ इस फीचर को समझाने के लिए। मैं इस समय कार के इसीलिए बगल में खड़े होकर इसको ऑपरेट कर रहा हूँ जिससे मैं आपको जब भी मैं उसमें कमांड दूँ तो आप देख सके कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है या ऑफ हो रही है, तो आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ। बट आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी के बगल में होके ही इस फीचर को एक्टिवेट करें, आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी होके अपनी कार को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। ये ब्लू लिंक का होम पेज है, यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू रंग का जो डॉट दिया हुआ है ये मैं यानी जहाँ पे ब्लू लिंक ऐप है वो दिखा रहा है, उसके पीछे की तरफ देखेंगे तो ये कार दिखा रहा है। ये इस वजह से इस समय दोनों आसपास दिखा रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल कार के बगल में ही खड़ा हुआ हूँ। जब आप दूर होंगे तो ये डॉट और कार दूर दिखाएगा, इससे आप कार की पोजिशन भी समझ पाएंगे वो कहाँ पर है। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस व्हीकल कंट्रोल को किस तरीके से वर्क करता है। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ये सिर्फ वर्क करेगा DCT ऑटोमेटिक गाड़ी पर, और इस को वर्क कराने के लिए यानी इंजन को गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेटस में चेक कर लीजिए कि डोर्स लॉक होने चाहिए। अगर डोर्स लॉक नहीं होंगे तो कार को स्टार्ट नहीं करेगा। इस समय देखिए जैसे कि दिखा रहा है डोर्स लॉक है, इंजन ऑफ है, हुड क्लोज्ड, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ और ये ट्रंक क्लोज्ड, ये सारा होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ये इंजन को स्टार्ट करेगा। मैं प्रेस करता हूँ इस समय इंजन स्टार्ट बटन को और यहाँ पे ये डिज़ायर टेम्परेचर जो भी आपको इस समय AC का टेम्परेचर को रखना है वो आप यहाँ से सेट करिए, और ड्यूरेशन कितनी देर तक ये उस AC को वर्क करेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे डिफॉगर की सेटिंग्स भी दी हुई हैं, अगर आप डिफॉगर को भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं इनेबल डिसेबल तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, कन्फर्म कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे कंफर्म कर रहा हूँ तो इसमें एक साउंड आएगी इंजन स्टार्ट होने की और एक यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आया, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखिए कार को ये स्टार्ट कर देगा। ये देखिए कार इस समय ये स्टार्ट हो गई और जैसे स्टार्ट हुई है मेरे ऐप पे यहाँ पे अभी एक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि गाड़ी का इंजन इसने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए रिमोट इंजन स्टार्ट वॉज सक्सेसफुल, इस समय गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और उसमें इसका चल के टेम्परेचर देखेंगे तो जो मैंने टेम्परेचर को सेट किया था वही इस समय टेम्परेचर इसमें सेट हो चुका है। मैं इंजन स्टार्ट वाले फीचर को अच्छे से समझाने के लिए इस समय मैं गाड़ी के अंदर बैठ के कमांड दूंगा जिससे मैं आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ जो AC का टेम्परेचर मैं सेट कर रहा हूँ वो कार स्टार्ट होते वक्त सेट होता है कि नहीं होता गाड़ी में। तो मैं वापस यहाँ से इसमें इंजन स्टार्ट का कमांड दे रहा हूँ, मैं कोई भी टेम्परेचर को सेट कर लेता हूँ, मान के चलिए मैंने 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड को सेट किया। टाइमिंग मैं कोई भी ले लेता हूँ, डिफॉगर्स मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे कंफर्म की एक साउंड आया, इस ऐप से इंजन स्टार्ट होने का एक नोटिफिकेशन को ओके किया। अब देखते हैं ये गाड़ी को स्टार्ट करके क्या टेम्परेचर को सेट करता है। ये सर्वर बेस्ड है तो कभी कभी कमांड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त ले लेता है। ये देखिए इस समय गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड को उसको मैंने सेट किया, तो ये देखिए यहाँ पे सेम वही टेम्परेचर इस समय गाड़ी का सेट हो गया है। तो इंजन स्टार्ट के बाद अब ये सेम फंक्शनिंग काम करेगा इंजन स्टॉप में भी, अगर आपको गाड़ी का इंजन को स्टॉप करना है अगर स्टार्ट है तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके पिन को एंटर करिए, सेम प्रोसीजर से ये गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देगा। यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे AC के टेम्परेचर को सेट करने का भी है, आप यहाँ से AC के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं जब आपने इसमें सेट किया होगा। ये 3 एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे DCT SX+ ऑटोमेटिक पेट्रोल में। इसके अलावा जो फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि कार के डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप रिमोट से, ये आपको SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट पेट्रोल एंड डीजल में भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ से आप हॉर्न एंड लाइट को भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से मैं ये आपको दिखा देता हूँ। मैंने आप इसको प्रेस किया, ये सिक्योरिटी पिन को मैं वापस एंटर कर रहा हूँ।
ये देखिए इस ऐप से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, ये देखिए इसने कमांड को एक्सेप्ट किया और हॉर्न एंड इसके इंडिकेटर्स फ्लैश करने लगा। ये 29 सेकंड्स तक ये फ्लैश करते रहेंगे, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ये सारे फीचर्स समझने के बाद अब इसके ऐप के और ज़्यादा फीचर्स का एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल कंट्रोल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके नीचे यहाँ पे अलर्ट सर्विसेज दिए हुए हैं, यानी आप इस ऐप के थ्रू कई सारे अलर्ट्स को लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें आइडियल अलर्ट दिया हुआ है, यानी आप जैसे कोई ड्यूरेशन इसके नोटिफिकेशन की ड्यूरेशन से कितनी जल्दी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आए, और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ उसके अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मिनट्स, यानी अगर आपने इसमें सपोज 5 मिनट को सेट कर रखा है, तो अगर उस दौरान अगर 5 मिनट से ज़्यादा गाड़ी का इंजन आइडल कंडीशन यानी खड़ी गाड़ी पे स्टार्ट रहेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस फीचर को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए टाइम फेंसिंग अलर्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है आप इसमें टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट एंड एंड टाइम दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को सेट कर दीजिए, उस बीच दौरान अगर कोई भी गाड़ी को चौरा सा भी ड्राइव करेगा तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड अलर्ट दिया हुआ है, स्पीड अलर्ट भी अगेन वही दे रखा है कि अगर आपने कोई भी स्पीड को सपोज आपने 100 की स्पीड को सेट कर दिया है तो अगर कार की स्पीड 100 को क्रॉस करेगी तो आपके पास एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए जियो फेंस अलर्ट दे रखा है, जियो फेंस अलर्ट एक दायरा बना सकते हैं, उस दायरे पे अगर आपने सेट किया हुआ है और गाड़ी उस दायरे के बाहर जाती है तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। जियो फेंस अलर्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये वैले अलर्ट दिया हुआ है, वैले अलर्ट की फंक्शनिंग को मैं देख लेता हूँ क्या क्या यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है अगेन एक बाउंड्री सेट करने के लिए, यानी अगर आप किसी होटल या मॉल्स में जाते हैं और वैले ड्राइवर को कार देते हैं और वो आप सेट कर देंगे अगर वो इतने किलोमीटर से दूर लेकर जाएगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। स्पीड अगर आपने सेट कर रखी है तो अगर उस स्पीड से ज़्यादा ड्राइव करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा, और आइडल टाइम यानी अगर गाड़ी में बैठा गाड़ी को स्टार्ट किया होगा तो भी आपके पास अलर्ट पहुंच जाएगा। तो ये सारे अलर्ट सर्विसेज थी जो आपको इस ऐप में सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर टाइमिंग्स देख रहे हैं ये अलर्ट के ड्यूरेशंस को सेट करने के लिए दिया हुआ है, कितनी कितनी देर पे आपके पास अलर्ट ड्यूरेशंस आते रहें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ किस तरीके से ये अलर्ट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये माय मैसेजेस में जाइए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीड अलर्ट्स मेरे कुछ आए हुए थे पहले के। यहाँ पे ये देखिए आइडल अलर्ट दे रखा है, योर व्हीकल हैज वायलेटेड द आइडल सेटिंग्स। तो इस तरीके से आपके पास अलर्ट्स आएंगे अगर कोई आपने अलर्ट लगा रखा होगा उसको कोई वायलेट करता है। तो अलर्ट सर्विसेज के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं कई सारे चीज़ें दे रखी हैं गाड़ी की, जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो यहाँ पे जैसे अभी इस समय कोई दिक्कत नहीं है तो सब टिक है, उस समय क्रॉस बन के आ जाएगा। व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मैप्स दिए हुए हैं, यानी आप इस ऐप्स में कोई भी जगह को सर्च करके डायरेक्टली कार के म्यूजिक सिस्टम पे वो जगह को भेज सकते हैं। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ, ये मेरी पहले की कोई भी जगह सर्च की हुई है, मैंने इसको टच किया, यहाँ पे देखिए सेंड टू कार का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं सेंड टू कार को सेट करूँगा ऑटोमेटिकली कार के म्यूजिक सिस्टम पे वो जगह पहुँच जाएगी। मैं दिखा देता हूँ ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे ब्लू लिंक दिया हुआ है, ब्लू लिंक पे सेंड टू कार जो भी मैंने पहले की ये जगह भेजी हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा, बस आप इसको टच करिए और वो जगह ऑटोमेटिकली कार के म्यूजिक सिस्टम पे सेट हो जाएगी। तो ये फीचर भी एक ब्लू लिंक का दे रखा है। साथ में आप इन जगहों को किसी के से शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि SMS के थ्रू, या फिर आप अगर WhatsApp या कोई भी और मोड से भेजना चाहते हैं तो आप यहां से उसको सेलेक्ट करके उस पर्सन को भेज सकते हैं वो जगह को। ब्लू लिंक ऐप के ये होम पेज पे यहाँ पे आप ये दो बटन्स को देख सकते हैं, इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन एंड लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो यहाँ पे आपकी गाड़ी एंड लोकेशन दिखाता चल रहा है, तो इस तरीके से आप अपनी कार को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये पार्ट हो गया इसके मैप्स का। मैप्स के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माई ट्रिप दिया हुआ है, माई ट्रिप में दे रखा है पूरे मंथ में आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, उसको आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए मैं 18 तारीख की डेट को देख लेता हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे गया हूँगा, यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है, ये देखिए ये जगह दिखाएगा मैं जहाँ जहाँ पे गया हूँगा। ये वापस आप इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं कि उस जगह पे आप गए थे, उन डेट्स को आप टच करके उस जगह को चेक कर सकते हैं।
तो माई ट्रिप्स के बाद हम आ जाते हैं अब मेंटेनेंस अलर्ट्स पे। तो यहाँ पे हम कई सारे अलर्ट्स को मैन्युअली सेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि गाड़ी का इंजन ऑयल इतने किलोमीटर से इतने महीने बाद चेंज करना है, तो यहाँ पे आप उसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको कर देगा अलर्ट। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का पार्ट दिया हुआ है, जस्ट एक सेटिंग्स हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बल्गर अलार्म या फिर एक्टिव व्हीकल स्टेटस अलार्म, इन सबको आपको ऑन करके रखना है। ये साउंड इफेक्ट्स हैं कि अगर साउंड आए इस एप्स में या ना आए तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। माय पेज सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक गाइड दी हुई है, यहाँ पे ब्लू लिंक के कुछ सपोर्ट्स हैं, FAQs हैं, अबाउट ब्लू लिंक है, ऑफ वर्जन्स, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस ब्लू लिंक ऐप को आप किसी अपने जानने वालों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो सारे फीचर्स को यूज़ कर पाए। उसको कैसे कर सकते हैं वो आपको उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए वेन्यू लिखा हुआ है, इसको मैं टच करूँगा। टच करने बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ गया। जब हम इसको शेयर करेंगे तो यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर एंटर करो, यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट की अपनी सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर फिट करें। फिटिंग करने के बाद यहाँ पर शेयर माई कार करिए। इसके बाद जिस फ़ोन पर आपको ब्लू लिंक को के सारे फीचर्स के राइट्स देने, उस पर ब्लू लिंक को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जो मैंने नंबर डाला होगा उसमें इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको टच करिए। टच करने के बाद ये देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, इसको कर दीजिए एग्री। एग्री करने के बाद जो पिन मैंने वहाँ से सेट करके भेजी थी वो पिन यहाँ पर वापस एंटर करनी है। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कार शेयरिंग, ये देखिए यहाँ पे शेयर हो जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए कार को और वैसे ही सारे फीचर्स आप इसमें भी यूज़ कर पाएंगे जो आपने अपने फ़ोन पे यूज़ करते थे। इस तरीके से आप इस ऐप को किसी अपने जानने वालों को शेयर भी कर सकते हैं और ये टोटल 5 लोगों को आप शेयर कर पाएंगे। चलिए ये बात तो हो गई मोबाइल पे ब्लू लिंक ऐप के सारे फीचर्स की। अब चलते हैं और देखते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम AVNT में क्या क्या ब्लू लिंक के फीचर्स आते हैं। ब्लू लिंक मोबाइल ऐप के फीचर्स को समझने के बाद अब हम चेक करते हैं कार के इस AVNT यानी ऑडियो वीडियो नेविगेशन साथ में टेलीमेटिक्स यानी ब्लू लिंक्स के इसमें आपको क्या मिल जाएंगे फीचर्स। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे स्लाइड करिए, फिर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू लिंक लिखा हुआ है। इसको टच करिए तो इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इसके म्यूजिक सिस्टम पे ब्लू लिंक के। सबसे पहला फीचर सेंड टू कार, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आप कोई भी ऐप के थ्रू इसमें आप डेस्टिनेशन को भेज सकते हैं, उसको डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। उसके बगल में दिया हुआ यहाँ पे शेयर डेस्टिनेशन, अगर आपने मैप्स में कोई भी डेस्टिनेशन को सेट कर रखी है और वो आप किसी अपने जानने वालों को भेजना चाहते हैं तो यहां से उसका मोबाइल नंबर को एंटर करिए और ओके कर दीजिए, उसके पास वो जगह की एक मैसेज पहुंच जाएगा। उसके बगल में यहां पे ये व्हीकल डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है, यानी आप मैन्युअली भी गाड़ी को चेक कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। देखिए इसमें दिखा रहा है नो इश्यूज फाउंड, यानी गाड़ी बिल्कुल अभी परफेक्ट कंडीशन पे है। और उसके बगल में यहाँ पे ये ब्लू लिंक सेटिंग्स दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक्सपायरी डेट है। ब्लू लिंक सिर्फ 3 साल तक के लिए ही फ्री दिया गया है, इसके बाद हुंडई आपसे कुछ चार्जेस लेगी, वो चार्जेस अभी क्या है फिलहाल अभी हुंडई ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए इस गाड़ी का ये एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, ब्लू लिंक कब सर्विस बंद हो जाएगी। उसके बगल में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो वोडाफोन का सिम लगा हुआ है उसका यहाँ पे इसका IMEI नंबर दिखा रहा है, साथ में गाड़ी का व्हीकल नंबर दिखा रहा है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इसके म्यूजिक सिस्टम पे। अब बात करते हैं इसके IRVM पे। ये जो 3 बटन दे रखे हैं ये ब्लू लिंक के किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये SOS दिया हुआ है, यानी इमरजेंसी केस में आप इस बटन को प्रेस करके हुंडई के कॉल सेंटर पे बात कर सकते हैं। बीच में रो साइड असिस्टेंस का बटन दिया हुआ है, इसको भी आप प्रेस करके रो साइड असिस्टेंस वालों को बुला सकते हैं। और अगर आपको कोई जगह जाननी है यानी मैप जानना है तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके कॉल सेंटर पे बात करके उस जगह को जान सकते हो। कॉल सेंटर वाले वहीं से बैठे बैठे आपके म्यूजिक सिस्टम पे वो जगह को सेट कर देंगे। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूं कॉल करके ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया यहां पे हुंडई में कॉल जाने लगी। नमस्कार, मैं निशांत बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बात कैसे हो रही है। मैं समय विनीत बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली ये अभी गाड़ी परचेज करी है और मैं जानना चाहता हूँ इसमें ये बटन्स किस चीज के लिए दिए हुए हैं। जी सर, मैं आपका शुभ नाम सर पूरा नाम जान सकता हूँ? हाँ, विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल, अग्रवाल जी मैं आपका शहर का नाम जान सकता हूँ? कानपुर। डीलरशिप से कस्टमर है सर? मैं कस्टमर हूँ जी। अग्रवाल जी मैं बताना चाहूंगा आपके इनसाइड रियर व्यू मिरर पे
तीन बटन भी है। पहला बटन है SOS का। SOS का बटन सर इनकेस आपकी कोई इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज आपको चाहिए, जैसे कि एम्बुलेंस सर्विस है, पुलिस सर्विस है, या फिर फायर ब्रिगेड की सर्विसेज है, वो अगर चाहिए तो उस केस में सर आप SOS का बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके सर, दूसरा बटन दिया है RSA का, जो कि रोड साइड असिस्टेंस के लिए है। मान लीजिए आपके इंजन ब्रेक डाउन हो जाता है, या फ्यूल खत्म हो जाता है, या फिर फ्लैट टायर हो जाता है सर, लॉस्ट की होती है, तो उस केस में सर आप RSA का बटन प्रेस करेंगे, रोड साइड असिस्टेंस का। उस केस में हम आपको सर कोई टेक्निकल पर्सन आपकी लोकेशन पे, नियर बाय सर्विस सेंटर का लोकेशन आपको पुश करेंगे सर, ऑन ड्यूटी डायरेक्शन। ठीक है जी सर। तीसरा बटन है ब्लू लिंक का सर। इसमें आपकी कोई जनरल इंक्वायरी है ह्यूंडई ब्लू लिंक से रिगार्डेड, या फिर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नेविगेट करना चाहते हैं, उस टाइम पे सर आप ब्लू लिंक का बटन प्रेस कर सकते हैं सर। उस केस में हम अपनी तरफ से सर अगर किसी लोकेशन पे आपको नेविगेट करना है, हम आपको मैप है वो पुश करेंगे आपके ऑडियो वीडियो नेविगेशन स्क्रीन पे, उसके थ्रू आप इजीली लोकेट कर पाएंगे सर, नेविगेट कर पाएंगे उस लोकेशन पे। ओके जी सर। मैंने कहा ये वाली सर्विसेज मैं इन बटन्स को प्रेस करके आपसे बात करके यूज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल अग्रवाल जी। ओके थैंक यू सर, बस ये जानना चाह रहा था जी। कोई और जानकारी जानना चाहेंगे सर हिंडा ब्लू लिंक से संबंधित? नहीं सर, थैंक्स अ लॉट जी। हिंडा ब्लू लिंक कनेक्ट सेंटर में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी बात निशांत से हो रही थी, आपका दिन शुभ हो। ओके थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने हुंडई कॉल सेंटर्स पे इन बटन्स को प्रेस करके बात करी। आप भी इमरजेंसी केस में इन बटन्स को प्रेस करके हुंडई कॉल सेंटर में बात करके हेल्प बुला सकते हैं। तो ये फीचर था IRVM का, जो आप यूज़ कर पाएंगे ब्लू लिंक के थ्रू। ब्लू लिंक का एक फीचर ये भी है कि अगर आपकी कार को कोई जबरन खोलने की कोशिश करेगा तो भी आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। मैंने इस समय कार को लॉक कर रखा है, शीशों को खोल रखा है, और मैं इसके लॉक को जबरदस्ती ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा, ये देखिए इसमें अलार्म तो बजे बजेगा, साथ में इसमें एक ये नोटिफिकेशन भी आपके ऐप पे आ जाएगा, एन अनऑथराइज एसेस हैज बीन डिटेक्टेड, प्लीज चेक योर कार। तो आपके पास एक अलर्ट पहुंच जाएगा कि आपकी कार को किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है। मैं की का पैनिक नोटिफिकेशन फीचर भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ऐप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव करके रखा हुआ, इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी की ये देखिए लाइट एंड हॉर्न इसमें फ्लैश करने लगेगा, साथ में ही जो है इसमें उन नंबर्स पे कुछ इस तरीके का पैनिक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा और वो अलर्ट हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी में कोई इमरजेंसी या फिर कोई प्रॉब्लम आई है। तो इस तरीके से आप उन अपने जानने वालों लोग तक खबर पहुँचा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। सो गाइज, ये था हुंडई ब्लू लिंक, जिसमें मैंने कई सारे फीचर्स को आपको लाइव डेमो दिया है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो मैं आपको लाइव डेमो पे नहीं दिखा सकता, जैसे कि ऑटो क्रैश नोटिफिकेशन। अगर गाड़ी का एयर बैग किसी भी वजह से ओपन होता है तो हुंडई कॉल सेंटर्स पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके अलावा इसमें एक इंजन इमोबिलाइज फीचर भी है, यानी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको लिखवानी पड़ेगी पहले FIR और फिर कॉल सेंटर में कॉल करके अपने इंजन को इमोबिलाइज कर सकते हैं। इमोबिलाइज करने के बाद गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मैं आपको लाइव डेमो पर नहीं दिखा सकता था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ऑलरेडी 33 फीचर्स का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप सारे फीचर्स को जानना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो ब्लू लिंक का आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने में लगी है बड़ी मेहनत, और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले और भी मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू।